करता नहीं हूँ, एहतराम करता हूँ, शिद्दत अल्फाज की तासीर जानता हूँ। वसीम अख्तर को हम दोबारा देख रहे हैं, वसीम अख्तर भाई को, आपका मेयर का कैंडिडेट कोई भी नहीं है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये तो पार्टी में भी खुफिया है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप दोस्ती नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप होती है। तो एमकेएम तो फौज की बी टीम है, एमकेएम तो फौज को ले आई, आमरियत का रास्ता हमवार कर दिया। पता नहीं क्यों लग रहा है कि एमकेएम नहीं चाह रही कि ये इलेक्शन हो। एमकेएम इतनी जालिम होती और एमकेएम इतनी अग्रेसिव होती तो हमारे 15,000 नौजवान नहीं शहीद होते। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ उन लोगों को होती है जिनके खिलाफ मैं खड़े होकर तकरीर करता हूँ। जब हमारा तूती बोलता था तो उम्मीदवार नहीं मिलता था लोगों को, थोड़ा हमारे हालात परेशान को नहीं तो सब लोग कूद रहे हैं। फारूक भाई खुद तो बैठ जाए पहले, तो फिर दूसरों को बैठाने की बात कर। जो शख्स वो अपनी जात को अपने मकसद से बढ़ा दे वो कभी भी एक अच्छा कामयाब लीडर नहीं हो सकता। 24 से 7 सीटों पर आने के बावजूद भी हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने की ताकत रखती है अल्लाह ताला की मेहरबानी। हमारे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा इतनी जोर से किया गया, और आप तमाम एंकर्स को आज आप देख रहे होंगे जो हमारे खिलाफ एक थे, आज आपस में तकसीम है। हम न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आज, बहुत मुतनाज़ा हुआ न्यूट्रल। खान साहब ने बहुत ज्यादा यूज ही नहीं कर, मुतनाज़े कर दिए। एमक्यूएम कहीं नजर नहीं आ रही है, देखे आसमान भी साफ है, कहीं पतंग नजर नहीं आ रही है मुझे। आपने भी ना वो दिलचस्पी पैदा करने के लिए वो सारी स्टोरी अडॉप्ट कर ली है। हमारा तो मसला होता है कि बड़ी मुश्किल से तुम अपना मेयर लेकर आते हैं, दिल से नहीं चाहते कि कराची की आबादी सही की नहीं जाए, नारेबाजी लगाए जाओ। मुझे 50-50 उम्मीद है कि हम जीत भी सकते हैं, लेकिन जाहिर है एक टफ कॉम्पिटिशन। अगर असला इस शहर में अब किसी के पास होगा तो फिर हमारा भी हक है, हम भी असला खरीदेंगे। आज भी लीडर लेस हैं आप लोग देखा जाए तो टेक्निकली यस, ना हम कुर्बानी की खा लेते हैं, ना हम जकात फितरा कर रहे हैं, और ना ही हम दीगर कोई हमारा चैरिटी अकाउंट है जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं अखबार के जरिए। यार ये तो चप्पलों में आए थे भाई, चप्पलों में सभी आए थे ना। कल बाद मेरे बच्चे का नानक छंगी पे भीम मानते तब आपको तसल्ली हो जाती। जमात इस्लामी देख लें, इस्लाम के लिबादे में है, फॉरेन फंडिंग होती है, अरबों रुपए की कैंपेन कराची में उनकी चल रही है, किसी का भी वजूद अपनी जमात से हटकर सिफर है। एमकेएम एक पीएचडी है, एमकेएम एक रियल पॉलिटिकल रिएक्शनरी पार्टी है।